हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक विद रवि चैनल में। आज बात करने वाला हूँ वाई बाई सीरीज स्मार्टफोन्स की, जिसमें सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन आ गया है वाई बाई 9 प्राइम, जो कि 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। और वाई बाई 9 प्राइम की जो प्राइस होने वाली है वो 15,990 रुपीज़ होने वाली, जो कि 128 GB स्टोरेज वेरियंट की होने वाली है। और सबसे पहले यह लॉन्च होने वाला है अमेजोन पर, तो अमेजोन पर ये 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे से लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले ये प्राइम मेम्बर्स के लिए रहेगा और 8 अगस्त को सभी मेम्बर्स के लिए हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात करें अब इस फ़ोन में ऑफर्स की, तो ₹500 का इसमें अमेजोन पे के साथ आपको डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा आपको 10% का SBI कार्ड होल्डर्स को मिल सकता है डिस्काउंट। इसके अलावा 1,500 का ऑप्शन आपको मिल सकता है इसमें डिस्काउंट के रूप में, नो कॉस्ट EMI, जो कि 6 मंथ्स के लिए आप इसको पे कर सकते हैं। तो ये फ़ोन आप आसानी से परचेज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें, और इसमें आपको ऑफर्स जो मिल रहे हैं वो भी शानदार ही हैं। अब बात करें Y9 Prime के फीचर्स की, तो EMUI 9.1 पर ये रन करने वाला है और एंड्रॉइड 9 पाई के साथ ये आने वाला है। और इसमें जो डिस्प्ले मिलने वाली है वो 6.59 इंचेस की मिलने वाली है, और जो कि एक फुल HD डिस्प्ले होगी, और इसका रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है 1080x2340 पिक्सल्स का। इसके एक्सेप्ट रेशियो की बात करें तो 19.5:9 मिलने वाला है। उसमें आपको 391 PPI की पिक्सल डेंसिटी आपको मिलने वाली है। तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार होने वाला है। इसमें आपको किरिन 710 का octa-core प्रोसेसर भी मिलने वाला है, जो कि 4 GB रैम के साथ आपको मिलने वाला है। और अगर फोटो और वीडियोस के बारे में बात करें तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इसका जो कैमरा मिलने वाला है वो ट्रिपल रेयर कैमरा मिलने वाला है, जो कि 16 MP का इसमें प्राइमरी सेंसर मिलने वाला है, 8 MP का सेकेंडरी सेंसर मिलने वाला है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल के लेंस के साथ मिलने वाला है, और 2 MP का टेरिटरी सेंसर इसमें आपको मिलने वाला है। तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार होने वाला है। और एक और ख़ास बात जो इसमें आने वाली है वो इसका पॉपअप कैमरा, जो कि सेल्फी कैमरा मिलने वाला है 16 MP का। और वाई फोन में एक और शानदार चीज़ होने वाली, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कैमरे ऐप में मिलने वाली है। तो इस कैमरा ऐप जो इसका मिलने वाला है उसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहली बार मिलने वाली है। 22 कैटेगरीज आपको रेकनाइज इसमें कर सकते हो, और 500 सीन्स रियल टाइम में आप ले सकते हैं। 3D फॉरवर्ड मोड भी इसमें मिलने वाला है। तो ये AI मोड जो इसमें मिलने वाला है कैमरा में, वो काफ़ी शानदार होने वाला है। इससे आपको जो फंक्शन मिलने वाले हैं वो किसी और फ़ोन में नहीं मिलने वाला है। सेल्फी कैमरा में भी आपको AI एल्गोरिथम का यूज़ किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी शानदार फ़ोन के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें जो कैमरा मिलने वाला है उसमें 8 डिस्टिंक्ट सीन्स मिलने वाले हैं, जो कि आपको सेल्फी कैमरे मिलने वाला है। UI एल्गोरिथम जो दी जा रही है वो सेल्फी के लिए काफ़ी शानदार हो सकती है। और ऑनबोर्ड स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 128 GB की स्टोरेज मिलने वाली है, जिसको आप 512 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 4G वोल्टी वाईफाई ब्लूटूथ GPS सभी इसमें सपोर्ट करने वाला है। इसके अलावा सेंसर भी सभी मिलने वाले हैं। इसमें आपको ग्रेविटी सेंसर, मैग्नेटोमीटर, रियल माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, तो ये काफ़ी शानदार फ़ोन होने वाला है। फ़ोन में एक ही चीज़ आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो सकती है कि इसमें आपको रेयर में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा है। पर प्लस पॉइंट आपको ये मिल रहा है वो इसमें कैमरा मिल रहा है, सेल्फी कैमरा, वो एक पॉपअप कैमरा होने वाला है। और Huawei Y9 की अगर स्पेसिफिकेशन में सबसे खास बात अगर मुझे लगती है, तो इसके कलर्स में जो एम्बलेट ग्रीन और सेफ्रिन ब्लू जो दो कलर्स मिलने वाले हैं वो काफ़ी शानदार होने वाले हैं। तो इसकी डिस्प्ले जो फुल HD डिस्प्ले वो आपको जो रेजोल्यूशन देने वाली वाली वो भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि 2340x1080 पिक्सल्स का, और वो के साथ में डिस्प्ले जो मिलने वाली है वो 6.59 इंचेस की मिलने वाली है। तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी शानदार है। उसके जो प्रोसेसर है वो भी लेटेस्ट है, किरिन 710F, जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। और EMUI 9.0 के साथ ये सफिशियंट है, क्योंकि एंड्रॉयड 9.5 भी साथ मिलने वाली। तो इसमें जो स्टोरेज भी दी जा रही है उसमें भी आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली। 128 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज, 512 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और 4 GB की रैम के साथ ये फ़ोन मिलने वाला है वो गेमिंग के लिए काफ़ी शानदार मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फ़ोन में बताया गया कि CPU के प्रोसेसिंग पावर को ये काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, और यूजर कम मेमोरी में यूज़ करेंगे गेमिंग में, और काफ़ी शानदार ये फ़ोन होने वाला है। और इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है, जो काफ़ी शानदार होने वाली है। और ये 4000 mAh की बैटरी को आप फास्ट चार्जिंग की तरह से चार्ज कर सकते हैं, तो काफ़ी शानदार बात है। सभी नेटवर्क इसमें सपोर्ट करेंगे इंडियन ब्रांड के, तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार हो सकता है। और ऑन बोर्ड स्टोरेज में केबल आप इसमें बात करें कि बॉक्स में आपको केबल मिलने वाला है, तो चार्जर टाइप सी केबल्स मिलने वाली है। इसमें आपको वारंटी कार्ड, इजेक्टर टूल सभी आपको इसमें मिलने वाले हैं, तो सभी चीज़ें आपको इसमें ऑन बोर्ड मिलने वाली है। तो ये फ़ोन काफ़ी शानदार है, और अगर आपको फ़ोन पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।